तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट इंस्टेंट गीजर इन 2024। अगर आप लोग को नहीं पता इंस्टेंट गीजर क्या होता है, तो दो मोस्ट पॉपुलर टाइप्स होते हैं गीजर्स के। एक होता है इंस्टेंट गीजर और एक होता है स्टोरेज गीजर। हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंट गीजर की। इंस्टेंट गीजर में क्या होता है, जो ठंडा पानी है वो टंकी में जाता है, उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है और उसको इंस्टेंटली गर्म करके गरम वाले पाइप से आपको गरम पानी देता है। वहीं स्टोरेज गीजर में ऐसा होता है कि आपको एक स्टोरेज टैंक अलग से दी जाती है। उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है 6 से लेकर 35 लीटर तक की अलग कैपेसिटी का एक स्टोरेज टैंक दिया जाता है, जहां पर पानी पूरा स्टोर होता है, फिर वो गर्म होता है और इस तरीके से हम लोग को पानी मिलता है। तो स्टोरेज गीजर अलग टाइप का होता है, इंस्टेंट गीजर अलग। हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंट गीजर के ऊपर। स्टोरेज गीजर के ऊपर भी जल्दी वीडियो आने वाली है। जैसे आप सबको पता है कि अभी बारिश का वक्त है, आगे ठंडी का वक्त भी आने वाला है, तो गीजर अभी बहुत सारे लोग लेने की सोचेंगे। तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि अभी सेल्स भी बहुत सारी आने वाली है। जैसे कि अमेजोन की प्राइम डे सेल 20 ऑफ जुलाई से लाइव होने वाली है मिडनाइट से, अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है, जहां पर आईसीआईसी बैंक और एसबीआई के ऊपर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने मिलेगा। और ये सेल सिर्फ एक सिंगल सेल नहीं है, आगे अपना 15 अगस्त आने वाला है और बड़ी बड़ी सेल्स आने वाली है अभी दिवाली वगैरह। तो ये सारे गीजर्स की वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मैं करने वाला हूँ एकदम डिटेल कंपैरिजन। मैं यहाँ रैंकिंग तो करूंगा, बट एकदम डिटेल कंपेयर करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े 7 ब्रांड्स है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर है गीजर्स के, उनको मैं यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ। और मेरे हिसाब से ये एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एओ स्मिथ के ईडब्ल्यूएस को, हैवेल्स के कार्लो को, क्रॉम्पटन के ग्रेस को, वीगार्ड के जायो को, ओरियन इलेक्ट्रिक के ऑरा रैपिड प्रो को, साथ ही साथ बजाज के स्काईवी को, साथ ही साथ हिंदवेयर के एटलांटिक एक्सकीट को। मेरे हिसाब से ये 7 बड़े गीजर्स के ब्रांड है और जो बना रहे हैं गीजर्स और वन ऑफ द बेस्ट सेलर भी है अमेज़न को, तो इनके ऊपर मैं डिटेल कंपैरिजन करने वाले। सबकी प्राइस अलग है, 4.5 से लेके 3,000 की रेंज में ये सारे गीजर आते हैं। एंड फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट फीचर्स दे आर प्रोवाइडिंग और कौन से फीचर नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग एक चार्ट में समझेंगे, कंपैरिजन चार्ट में, एंड देन यू ऑल्सो कैन डिसाइड कि मैंने क्यों इनको रखा है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे। सो दोस्तों और एक चीज बता दूं कि ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये चैनल चलता है बस आपके व्यूअरशिप से और आपके वजह से। तो दोस्तों जो भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा, उनकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगी। अगर आप वहां से कुछ भी चीज खरीदते हैं तो बिना आपकी वैल्यू को 1 रुपए कम करे बिगर भी ये चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो डेफिनेटली ये चैनल सिर्फ आपकी वजह से चलता है, तो मेक श्योर करें कि आप कुछ भी चीज ले रहे हैं तो आप वहीं से लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है आमिर, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों जो वीडियो में मैं आपको 7 इंस्टेंट गीजर्स को कंपेयर करने वाला हूं, वो 7 गीजर्स के अंदर आपको 5 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाएंगी और 7 गीजर्स के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो 3000 वॉट की कैपेसिटी के साथ आता है। मतलब इतना है हीटिंग एलिमेंट, 7 के अंदर सेम है। एक चीज और दोस्तों कि मैं 7 को एक फ्रेम में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले 4 गीजर्स को कंपेयर करूंगा, फिर 3 को कंपेयर करूंगा, उसके बाद रैंकिंग बता दूंगा आपको। तो पहले हम लोग कंपेयर करेंगे एओ स्मिथ, हैवेल्स, क्रॉम्पटन और वी गार्ड को। ये 4 गीजर्स को पहले कंपेयर करते हैं, फिर बाद में हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ्ट 3 को। तो जैसे मैंने बोला कि सबके अंदर आपको 5 लीटर की टैंक कैपेसिटी और 3000 वॉट का आपको हीटिंग एलिमेंट देखने मिल जाता है। हीटिंग एलिमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गीजर का। इसके ऊपर अगर आपने को वारंटी मिलती है ना, तो मतलब एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है पानी को गर्म करके हम लोग को देने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर वारंटी जिसमें भी रहेगी उसके अंदर प्लस पॉइंट है। चारों गीजर्स के अंदर अपने को जो प्रेशर से पानी आने वाला है उसके अंदर आपको 6.5 बार का प्रेशर दिया गया है, बट वहीं आपको हैवेल्स के कार्लो के अंदर आपको 8 बार का प्रेशर दिया गया है। वेरी बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेशर ज्यादा देखने मिल रहा है, मतलब ज्यादा फ्लो से पानी आने वाला है। आपको चारों गीजर के अंदर सेफ्टी के अलग अलग फीचर देखने मिल जाते हैं, कॉमन ही है फीचर्स, बट कुछ डिफरेंट रहेंगे तो बताऊंगा। डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत आपके लिए रीड करके बता देता हूं। तो यहाँ पर एओ स्मिथ के अंदर आपको ऑटो स्विच ऑफ देखने मिल जाता है, जहां पर अगर ओवर हीटिंग हो जाती है, मतलब टैंक में पानी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये अपने आप को बंद कर लेता है। जहां पर हम लोग इनकी एक रेंज होती है 60 से 65 डिग्री तक, वहां पर अगर ज्यादा टेम्परेचर बन जाता है तो वो बंद कर लेता है खुद को। इसके अंदर सारे जो एओ स्मिथ के गीजर है उसके अंदर आपको यूएल रेटेड वायरिंग हार्नेस देखने मिल जाएगी। प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया गया, अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है टैंक के अंदर तो वो रिलीफ वाल्व इसके अंदर देखने मिल जाता है। और ISI मार्क आपको पावर कॉर्डेड सेफ्टी केबल देखने मिल जाता है। ये जो फीचर्स है ना, वही आपको क्रॉम्पटन के ग्रेस और साथ ही साथ वी गार्ड के अंदर भी देखने मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन फीचर्स है ये, बट अपने को हैवेल्स के कार्लो के अंदर एनोड रॉड प्रोटेक्शन देखने मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि एनोड रॉड हर गीजर में नहीं होती, एंड दिस रॉड इज ए वेरी बिग प्लस पॉइंट, जहां पर ये आपके इनर टैंक को करोजन से बचाती है। साथ ही साथ इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो इनकलॉय ग्लास कोटिंग के साथ आता है, जो अपना हीटिंग ट्रीटमेंट में, जो पानी को गर्म करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपने को हैवेल्स के कार्लो के अंदर देखने मिलता है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा
एक्सीलेंट कोटिंग होती है जो अपने हीटिंग एलिमेंट को ऑक्सीडेशन और कार्बनाइजेशन से बचाती है, साथ ही साथ एलईडी इंडिकेटर भी देखने मिलता है सारे गीजर के अंदर। वही क्रोमटम के ग्रेस के अंदर जैसे मैंने बोला कि वही सेम सेफ्टी फीचर है जो एओस्मिथ के, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उनके फीचर्स लिखे हुए यहाँ पे। साथ ही साथ वीगार्ड के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम है, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट थिंग। बट एक चीज है इसके अंदर, आपको वीगार्ड के जायो के अंदर एंटी शिफॉन प्रोटेक्शन देखने मिलता है, जो मतलब बचाता है, प्रिवेंशन करता है रिवर्स फ्लो के लिए, मतलब जो पानी गर्म है वो ठंडे पानी के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर आपको एंटी शिफॉन प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लस पॉइंट है। शिफॉन मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, आई डोंट नो, तो मेरे हिसाब से ये प्रोटेक्शन के अंदर सबको देखने मिल जाता है। अगर मैं बिल्ड की बात करूं तो चारों गीजर्स के अंदर आपको रेस्ट प्रूफ शॉक प्रूफ बॉडी देखने मिल जाती है, मटेरियल अलग हो सकता है। जहां पर एओस्मिथ के अंदर आपको HIPS का पॉलीमर आउटर बॉडी दिया गया है, वही हैवेल्स के कार्लो में अपने को फेरोग्लास टेक्नोलॉजी के साथ सिंगल वेल डिजाइन है। एक्चुअली सारे गीजर सिंगल वेल डिजाइन ही है, बट यहाँ पर अपने को हैवेल्स के कार्लो के अंदर अल्ट्रा थिक सुपीरियर रोल्ड स्टील देखने मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से मटेरियल में, और ये दिखता है इसके वेट में भी, आगे मैं बताऊंगा उसके ऊपर। क्रोमटम के ग्रेस में भी सेम है, पीपी बॉडी है आपको एंटी रश वाली जो सेम है। वहीं अपने को वीगार्ड के अंदर कॉपर शेल्ड और मैग्नीशियम हाई ग्रेड मैग्नीशियम ऑक्साइडेशन इंसुलेशन देखने मिल जाता है, जो कि अपने हीटिंग एलिमेंट के ऊपर दी गई है, जिसकी वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर वीगार्ड के अंदर भी, और डेफिनेटली इसके अंदर भी 304 का स्टेनलेस स्टील अपने को देखने मिल जाता है इनर बॉडी के अंदर। बाहर साइड आपको रश प्रूफ हाई क्वालिटी इंजीनियर पॉलीमर, मतलब वही पीपी वाली बॉडी प्लास्टिक बॉडी दी गई है। एंड ऑफ द डे अगर मैं वेट की बात करूं यहाँ पर, तो एओस्मिथ का EWS वेट करता है 3.3 kg तक की, वही हैवेल्स का कार्लो वेट करता है 5.35 kg, जो कि बहुत ज्यादा है, और वो उसका मटेरियल बताता है कि इसकी क्यों वेट ज्यादा करता है। वहीं क्रोमटम का ग्रेस वेट करता है 3.46 kg, वहीं अपना वीगार्ड का जायो वेट करता है 4 kg। मेन चीज यहाँ पर आप वारंटी की बात करें तो सारे प्रोडक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट आपको एओस्मिथ के EWS पे, हैवेल्स के कार्लो और क्रोमटम के ग्रेस, ये तीनों गीजर्स के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर ओवरऑल वारंटी 2 साल है, पर टैंक के ऊपर 5 साल की अलग से मिल जाती है। बट वहीं वीगार्ड के जायो के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर आपको टैंक के ऊपर वारंटी नहीं दी गई है, ओवरऑल 2 साल की वारंटी दी गई है। तो दैट समथिंग विच आर इंक्लूडेड हियर। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो एओस्मिथ का EWS आपको आता है 4200 के करीब में, हैवेल्स का कार्लो आता है 4500 के करीब में, वहीं क्रोमटम का ग्रेस 3400 रुपए में आता है। अगर इसके अंदर फीचर्स कम है, पर डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी कम है। अगर मैं बात करूं वीगार्ड के जायो की, तो यह आता है आपको 3700 रुपए में। तो दोस्तों कंपेयर करते हैं बचे हुए 3 ब्रांड्स को, और बचे हैं कौन से, ओरियन इलेक्ट्रिक का ऑरा रैपिड प्रो, बजाज का स्कीवी, और साथ ही साथ हिनवेयर का एटलांटिक एक्सेट। अगर बात करें ओरिएंट का जो गीजर है, इसमें अपने को 5.9 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी दी गई है। ओरिएंट पहला ब्रांड है जिन्होंने 5.9 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी दी थी। बाकी तीनों के अंदर अपने को 3000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट देखने मिलता है, और दोनों के अंदर अपने को 5 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने मिलेगी बजाज और हिनवेयर में, मतलब वहां कोई चेंज नहीं है। प्रेशर की अगर बात करूं तो सिर्फ बजाज के अंदर अपने को 6 bar का प्रेशर देखने मिलता है, वहीं अगर मैं बात करूं ओरिएंट और हिनवेयर में अपने को 6.5 बार का प्रेशर देखने मिलता है, जो कि सेम है, और 6 bar इतना भी कोई कम नहीं है मेरे हिसाब से, दैट्स नॉट ए वेरी बिग डील। अगर मैं बात करूं अपने हीटिंग एलिमेंट की, तो वो कॉपर से बनी हुई है तीनों के अंदर। बाकी अपने को सेफ्टी रिगार्डिंग भी सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं, चाहे वो शॉक प्रूफ रेजिस्टेंट बॉडी हो जाए, अंदर से बाहर वाली बॉडी हो जाए। प्रेशर रिलीजिंग वाल्व, मतलब अगर पानी गर्म करते वक्त ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है तो प्रेशर रिलीजिंग वाल्व तीनों के अंदर देखने मिल जाता है। बट आपको ओरियन इलेक्ट्रिक के अंदर एंटी शिफॉन होल दिया गया है, जो कि एक एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ग्लास वूल इंसुलेशन दिया गया है, जिसकी वजह से टैंक के अंदर जो हीट है वो ज्यादा टाइम तक रहती है, पानी ज्यादा अच्छे तरीके से गर्म होता है। वहीं बजाज के अंदर आपको थर्मोप्लास्टिक बॉडी दी गई है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बॉडी अच्छी होना मतलब लॉन्ग लाइफ होना, ये मेरा वन ऑफ द बिग थिंग है। एक गीजर के अंदर उसका हीटिंग एलिमेंट और सेकंड उसकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वहीं अपने को बजाज के अंदर थर्मोप्लास्टिक बॉडी दी गई है, जो कि रस्ट प्रूफ शॉक प्रूफ है, और तीनों के अंदर अपने को ऑलमोस्ट स्टेनलेस स्टील की इनर कोर बॉडी दी गई है। बाकी अगर मैं हिनवेयर के एटलांटिक की बात करूं, तो वो फीचर एंड ऑफ द डे सेम ही है, बट घुमा फिरा के चीजें है, वो एक चीज है, प्रेशर रिलीजिंग वाल्व हो गया या फिर ऑटो ऑन ऑफ हो गया अगर टेम्परेचर अंदर ज्यादा बढ़ गया, तो इसको लिए मैंने उसको ज्यादा डिटेल में मेंशन नहीं करा है। अगर मैं बात करूं वेट की, तो यहाँ पर ओरियन इलेक्ट्रिक वेट करता है 2.95 केजी का, वहीं बजाज का स्काई भी वेट करता है 3.3 केजी, वहीं बात करें हिनवेयर का एटलांटिक वेट करता है 3.2 केजी। अगर मैं बात करूं वारंटी की, तो तीनों ब्रांड्स 5 साल की टैंक के ऊपर और 2 साल की ओवरऑल वारंटी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। प्राइस की अगर बात करूं तो ओरियंट का इलेक्ट्रिक आता है 3600 के करीब में, बजाज का स्काई भी 4000 रुपए में मिल जाएगा, वहीं हिनवेयर का एटलांटिक अपने को मिल जाता है 3400 में। अब मैंने कर लिया सातों को एकदम एक साथ कंपेयर,
मैं ला लेता हूँ सातों को एक साथ स्क्रीन पे। अब मेरे हिसाब से अगर आप लोग ने भी मेरे साथ देखा होगा तो बहुत सारा क्लियर यहाँ पर अपने को समझ में आता है कि वॉट इज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं जाता हूँ सात से। मेरे हिसाब से जो सातवें नंबर में मैं यहाँ पर रैंकिंग दूंगा वो है हिंदवार के एथलेटिक को, जो की है 3400 में मिल रहा है। मेरे हिसाब से वाई आई एम रैंकिंग दिस सो लोअर, मेरे हिसाब से आफ्टर सेल सर्विस और बिल्ड क्वालिटी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होना चाहिए और वो वहां पर मेरे को मिसिंग लगता है हिंदवेयर की आफ्टर सेल सर्विस में, जहां पर आप रिव्यूज में भी बहुत सारी चीजें चेक कर पाएंगे जो कि इतनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं नंबर सिक्स पे, यहां पर मैं रखना चाहूंगा वीगार्ड के जायो को, जहां पर अपने को टैंक के ऊपर वारंटी नहीं मिलती, जो कि मेरे को लगता है कि मिलना चाहिए, क्योंकि टैंक जैसी चीज अगर खराब हो रही है तो गीजर जल्दी खराब हो जाता है। आफ्टर सेल सर्विस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो छह पे मैंने वीगार्ड के जायो को रखा है। वहीं नंबर पांच पे मैं यहां पर देना चाहूंगा ओरियन इलेक्ट्रिक के ओरा रैपिड को, जो कि मेरे हिसाब से पांचवे रखा है मैंने, क्योंकि एडिशनल फीचर्स को इतने नहीं मिलते और आफ्टर सेल सर्विस भी डिपेंड करती है। तो मेरे हिसाब से नंबर पांच में मैं ओरियन को रखूंगा, बट डेफिनेटली यहाँ पर टैंक थोड़ी ज्यादा बड़ी मिलती है, डिपेंड करता है आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से तो ये मेरी रैंकिंग है। नंबर चार पे मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा क्रॉम्पटन के ग्रेस को, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा कम पैसे पे मिल रहा है, फीचर सारे पावर पैक देखने मिल जाते हैं, क्योंकि ये 3400 मिल रहा है और सारे फीचर जो रिक्वायर्ड फीचर हो, हीटिंग एलिमेंट कॉपर का होना या फिर उसके शॉक प्रूफ बॉडी होना, सेफ्टी रिलेटेड सारी चीजें होना, जैसे कि प्रेशर रिलीजिंग वाल्व, अगेन स्टेनलेस स्टील इंटीरियर कोर, इनर कोर है वो स्टेनलेस स्टील का है, प्राइस स्पेसिफिकेशन 3400 में। नंबर चार पे मैं रख रहा हूं यहां पर क्रॉम्पटन के ग्रेस को। नंबर तीन पे यहां पर मैं दूंगा एओ स्मिथ के ईडब्ल्यूएस को। मेरे हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन एओ स्मिथ की है वो मैच नहीं कर पा रहा कोई भी यहां पे, मिल तो रहा है ये 4200 में, डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। एओ स्मिथ का यहां पर ईडब्ल्यूएस को मैं नंबर टू पे रखूंगा, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत पावर पैक्ड है, चाहे आप उसके अंदर यूएल रेटेड वायरिंग हार्नेस हो और बाकी सारे फीचर्स मैंने एक्सप्लेन करा ही है। नंबर दो मेरे हिसाब से बजाज का यहाँ पे स्काईवी है। एंड ऑफ द डे मैंने यही बोला कि हीटिंग एलिमेंट और उसके बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और आफ्टर सेल सर्विस की, और बजाज का जो डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी है वो अनमैच है, दैट्स द रीजन कि यहाँ पर मैं बजाज को नंबर दो पे रख रहा हूं। और अगर आप लोग को पता होगा कि नो डाउट यहाँ पर नंबर वन पे है हैवेल्स का कार्लो। मेरे हिसाब से जो बार बार का प्रेशर हो या फिर आपको इनकोला एक ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट दिया गया हो या जो भी उसके फीचर्स बिल्ड क्वालिटी में, वो वेट इसका डिसाइड करता है कि 5.5 किलो का उसका वेट है, डेफिनेटली यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल में हैवेल्स ने यहाँ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मिल जरूर रहा है ये 4500 में, बट टोटली वैल्यू फॉर मनी है। ये 5 लीटर के आपको इंस्टेंट गीजर मैंने बनाए थे, डेफिनेटली 3 लीटर के इंस्टेंट गीजर भी होते हैं। ये 5 लीटर के इंस्टेंट गीजर मोस्टली 6 मेंबर लोग की फैमिली को रिकमेंड करे जाते हैं। अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं तो मैं बोलूंगा कि 3 लीटर के गीजर की तरफ भी जा सकते हैं। मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। स्टोरेज टाइप के गीजर्स के ऊपर भी मैं लिंक्स नीचे दे दूंगा, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की जरूर कोशिश रहेगी। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो अगेन कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आप मेरे को क्वेश्चन पूछिए कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर आपको कंफ्यूजन है कि मैंने क्यों नंबर वन पे रखा, इसको नंबर थ्री पे रखा या नंबर सेवन पे रखा, वो क्वेश्चन भी आप मुझे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं जल्द से जल्द आपको आंसर दूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली मेक श्योर कि ये वीडियो को लाइक करें। मैं आपको 2 वीडियो और सजेस्ट कर रहा हूं, यहां पर थंबनेल आपको दिख रहे होंगे, उनको भी जरूर चेकआउट कर लेना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय।